दयानंद सरस्वती इसने विंडो रिमैरेज सेकंड वीरसालिंगम पंतुलु इसने भी विडोरिमेरिज को सपोर्ट किया थर्ड है ज्योतरिया फोली इक्वेलिटी एमेंगस्ट कास्ट को सपोर्ट किया फिफ्थ है पंडिता रामाबाई इसने वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया है सिक्स्थ है पेरियार इसने इक्वेलिटी फॉर टचेबल्स को सपोर्ट किया सेवंथ है मुमताज़ अली इसने वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट किया और लास्ट है ईश्वर चंद्रा विद्यासागर इसने भी विडो रिमेरिज को सपोर्ट किया नेक्स्ट सेक्शन इज स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स ट्रू और फॉल्स बताना है आपको वेन द ब्रिटिश कप्चर्ड बंगाल दे फ्रेमड मनी लॉज टू रेगुलेट द रूल रिगार्डिंग मैरिज अडोप्शन एंड ऑफ प्रॉपर्टी एट्सट्रा दैन जब ब्रिटिश ने बंगाल को आपने अंडर कर लिया तो उन्होंने नए बहुत सारे नए नए लॉज बनाए मैरिज के ऊपर एडॉप्शन के ऊपर इनहेरिटेंस के ऊपर क्या ये सच है या फॉल्स है इसका जो आंसर है वो ट्रू है सेकंड इन सोशल रिफॉर्मर्स है एनशियस इन ऑर्डर टू आर्ग्यू फॉर रिफॉर्मर्स इन सोशल प्रैक्टिस इट मीनस जो सोशल रिफॉर्मर है उन्होंने मना कर दिया एनशन टेक्स्ट को इसका जो आंसर है वो फॉल्स है क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स ने सपोर्ट किया है एनशन को थर्ड इज रिफॉर्मर्स गाट फुल सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ़ द कंट्री क्या सोशल रिफॉर्मर्स को सारे सेक्शन लोग कंट्री में सारे लोगों ने सपोर्ट किया इसका मतलब है फॉल्स फोर्थ है द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वास्ड इन एटीन टवेंटी नाइन ये पास हुआ था एटीन थर्टी नाइन में सो so ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नॉलेज ऑफ एंशंट टेक्सट हेल्प द रिफॉर्मर प्रमोट न्यू लॉज इट मीनस जो रिफॉर्मर्स थे एंशंट टेक्सट ने कैसी उनको हेल्प कर दी न्यू लॉज प्रमोट करने में द आंसर इज द रिफॉर्मर्स ट्राइड टू कन्विंस पीपल दैट वी डो बर्निंग कास्ट डिस्ट्रिक्शन चाइल्ड मैरिज एटसट्रा हैज़ नो सेंशन इन एनशन टेक्स्ट दबन ये जो रिफार्मर्स थे ये लोगों को बताना चाहते थे कि ये विडो रिमेरिज चाइल्ड मैरिज इसका कोई अता पता ही नहीं है एनशन टेक्स्ट में दे आर नॉलेज ऑफ एनशेंट टेक्सट गेव दम इमेंस कॉन्फिडेंस एंड मॉरल इन प्रमोटिंग न्यू लॉज मीनस जो ये एनशियट टेक्स्ट है इन्होंने इन रिफार्मर्स को बहुत ही सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिया न्यू लॉज प्रमोट करने में दे डिड नॉट फियर वेन पीपल रेज अगेंस्ट द रिफॉर्म ये जो रिफॉर्मर्स हैं ये डरे नहीं जब लोगों ने इनके ऊपर आवाज उठाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द डिफरेंट रीजन पीपल हैड नॉट फॉर सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल वो वो कौन से रीजन है जो लोग अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे आंसर इज पीपल फियर टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल लोग डरते थे अपने बेटियों को स्कूल भेजने में इसलिए दे फीय दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम वो डरते थे जो स्कूल है वो इन बेटियों को अपने घर से दूर कर देगा सेकंड इज़ दे वुड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग द डोमेस्टिक वर्क ये जो स्कूल ये रोकेगा उनको घर के काम करने से थर्ड इज़ गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक प्लेस टू स्कूल गर्ल्स को पब्लिक प्लेस से गुजरना पड़ेगा ताकि वो स्कूल जा सके दे वु हेवे कोरोप इनफनस ऑन डेम तो ये तीन रीजनज थे जो ये लोग इनकी रीजनज की वजह से लोग अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई आर द क्रिश्चन मिशनरीज अटैकड बाई मनी पीपल इन द कंट्री इन क्रिश्चन मिशनरीज को बहुत सारे लोगों ने अटैक क्यों किया वाई सम पीपल हैव सपोर्ट दैम टू और आधे लोगों ने क्यों सपोर्ट किया इफ सो फॉर वॉट रीज़न अगर है तो किस रीजन से आंसर इज क्रिशचन मिशनरीज अटैक इन द कंट्री बाय मनी पीपल बिकॉज दे दे देर इन्वाल्वड इन द फोर्स कन्वर्जन एंड कन्वर्जन यूजिंग मनी मनी पावर ऑफ़ पोअर एंड ट्राइबल पीपल फ्राम हिंदुज़म टू क्रिस्च्चनिटी इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस पर अटैक किया तो उनको लगता था कि ये कन्वर्स लोगों को कन्वर्ज करते हैं या पैसे देकर इन ट्राइबल पीपल को या और गरीबों को हिंदुजम से क्रिस्चैनिटी तक इफ़ समीपल सपोर्ट दम अगर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया दैट वॉज बिकॉज वो इसलिए दे फेल्ट दिस माइट इम्प्रूव द इकनॉमिकल कंडीशन एंड एजुकेशन ऑफ पोअर एंड ट्राइबल उनको इसीलिए सपोर्ट किया ताकि उनको लगता था इससे हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन इंप्रूव होगी और एजुकेशन एमंग द पुअर्स एंड ट्राइबल्स वो भी इंप्रूव होगी क्वेश्चन इज इन द ब्रिटिश पीरियड वट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपनड फॉर द पीपल क्रेम फ्रॉम कास्टस इज दैट विकॉर्ड एज लो ब्रिटिश पीरियड में कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए आई जो लो कास्ट के लोग थे द फॉलोइंग फॉलोइंगाउंट रिवील दिस फर्स्ट इज द पुअर बिगनज लीव दियर वेजिज़ टू लुक फॉर जॉबजर ओपनिंग अप इन दिटीज इट मीनज जो गरीब लोग थे उन्होंने अपने घरों को छोड़ और नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया जो सिटीज़ में चालू कर दिए गए थे सेकेंड इज दे आर वायर वर्क इन फैक्ट्रीज एंड जॉब्स इन म्यूनसपल्टीज वहाँ पर में भी काम काम थे और म्यूनसपल्टीज में भी थर्ड इज ड्रेन डाग रोड स्लेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सिटी क्लिनड और वहाँ पर कौन कौन से काम थे ड्रेनज बनाने थे रोड बनाने थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी थी सिटीज़ सा, को साफ करना था ये सब काम कर रहे थे सम ऑफ देम वेंट टू वर्क इन ऑन प्लानेस आसाफ इंडोनेशिया और कुछ लोग प्लांटेशन के लिए आसाम और इंडोनेशिया काम करने के लिए गए सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ डिड ज्योति राव द रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इन इक्वालिटी इन सोसाइटी ज्योति राव कैसे क्रिटिसिज्म किया कास्ट इन इक्वाली को सोसाइटी में आंसर इज ज्योतिराव फूली बॉर्न इन एटीन ट्वेंटी सेवन एटीन ट्वेंटी सेवन में वो बॉर्न होता है वॉज अ लोकल एमेंगे लो कास्ट लीडर वो एक लोकल लो कास्ट लीडर था फर्स्ट इज़ ही अटैक द ब्रह्मनज क्लेम ऑफ यर सुप्रियॉरिटी टू अदर्स इट मीनस उन्होंने ब्रह्मस के ऊपर अटैक किया जो क्लेम करते थे वही सुप्रियॉरिटी से बाकियों से ही आर्ग्यूड दैट आर्यन वर फॉरनर्स और उसने ये भी आर्ग्यू किया जो आर्यनस है ये फॉरनर्स है हु केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट जो वो बाहर से इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए सेकंड इज़ दे डिफ़ीट एंड सब्जिगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री और ये कहता है इन्होंने हमारे जो खुद के अच्छे और सच्चे चिल्ड्रन हैं उनको डिफ़ीट किया और सब्जीकेट किया थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू फूली द अपर कास्ट हैज़ नो राइट टू डेयर लैंड एंड पावर जो ये अपर कास्टस हैं उनको कोई हक नहीं है और कोई नहीं पावर नहीं है हमारी इस ज़मीन पर इन रियलिटी दे बिलोंग टू दो कार्ड लो कास्ट वो रियलिटी में लो कास्ट से बिलोंग करते थे ही प्रपोजड डेट द शूदराज लेबर कास्ट एंड शुड टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रमिनेशन उसने ये प्रपोज किया शूदराज और यूनाइट होना चाहिए इन इसमें के खिलाफ क्वेश्चन इज वाई डिड फूली डेडिकेट हिज बुक गुलमगिरी टू द अमरीकन मोमेंट टू फ्री सलेव ज्योतिराव फूली ने अपनी जो किताब गुलरी वो क्यों अमरीकन मोमेंट को डेडिकेट की जहाँ पर फ्री सिलेवज हुए थे आंसर ज्योतिराव फूली रोट अ बुक इन एटीन सेवन थ्री द बुक गुलामगिरी टेन समर्स बिफोर दिस द अमरीकन लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका ज्योतिराव फूली ने एक uh, किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलाम गिरी एटीन सेवनटी थ्री में उस गुलाम गिरी की मीनिंग था स्लेवरी. सलेवरी उसे कुछ दस साल पहले अमरीका में एक वार हो गई थी जिससे जो स्लेवरी थी अमेरिका में वो ख़त्म हो गई फुली बुक तो दोस हज़ हु हैव फॉर टू फ्री सलेबस जोतरा फूली ने वो ये बुक खुद की लिखी हुई बुक उन अमेरिकन्स को डेडिकेट कर दी जिन्होंने उस लड़ाई में शामिल हुए ताकि ये जो स्लेवर्स हैं वो फ्री हो गए ही डिड दिस इन ऑर्डर टू एस्ट एटवीन कंडीशन कास्टस इन इंडिया एंड ब्लैक इन अमेरिका इसने ये किया ताकि एक लिंक पैदा हो जाए पैदा हो जाए बिटवीन दंडीशन ऑफ लोअर कास्टस एंड ब्लैक इन अमेरिका। नाइन्थ क्वेश्चन इज वाई डिड अम्बेडकर वॉन्टीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मोमेंट। अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहता था एंड टेम्पल एंट्री मोमेंट से आंसर इज अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन अ महार फैमिली अम्बेडकर एक महार फैमिली पैदा हुआ था इन चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसड वेरी फॉर्मज ऑफ कास्ट प्रोड्यूज इन हिज एवरीडे लाइफ बचपन से ही उसने अपनी लाइफ में कास्ट डिस्क्रमिनेशनज देखी थी फर्स्ट इज़ अम्बेडकर लेड थ्री सच मूमेंटस फॉर टेम्परी एंट्री मूवमेंट बिटवी नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एंड नाइन्टीन थर्टी फाइव अम्बेडकर ने तीन ऐसी मोमेंट्स शुरू की थी बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एंड नाइनटीन थर्टी फाइव सेकंड इज हिज एम वॉज टू मेक एवरी वन सी पावर ऑफ कास्ट प्राइस विद इन सोसाइटी उसका जो मुद्दा मकसद था वो वो देखना चाहता था हर किसी इंसान को कास, कास्ट कास्ट इक्वेलिटी हो सोसाइटी में नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वाई वाई ज्योतिराव फोली एंड द रामास्वामी नेकर क्रिटिकल ऑफ़ नेशनल मूवमेंट इज डिड देयर क्रिटिसिज्म द नेशनल स्ट्रगल इन एनी वे ज्योतिराव फोली एंड रामास्वामी नेकर क्यों नेशनल मूवमेंट से खिलाफ थे और क्यों उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया क्या वो क्रिटिसिज्म नेशनल स्ट्रगल के काम आया आंसर इज ई वी रामास्वामी नेकर एंड पेरियर कम्स ए मिडल क्लास फैमिली ये दोनों मिडल क्लास फैमिली से आते हैं देवर अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम वो ख़िलाफ़ थे कास्ट सिस्टम के इनजस्टिस से दे वर अगेंस्ट द नेशनल मोमेंट इज रन बाय द अपर लीडर्स वो नेशनल मूवमेंट्स से भी अगेंस्ट uh, थे जो अपर कास्ट के लीडर्स चलाते थे आफ्टर द नेशनल मोमेंट्स दीज पीपल अगेन कंटिन्यू कंटिन्यूल प्रैक्टिस एंड अन जब ये जब ये नेशनल मोमेंट्स ख़त्म हुई तो इन लोगों ने फिर से ये शुरू uh, ये कास्ट सिस्टम शुरू कर दिया अन शुरू कर दिया और यस क्रिटिजम हेल्पड द नेशनल स्ट्रगल टू ब्रिंक यूनिटी एम एक्दम जो ये नेशनल जो ये नेशनल मोमेंट का क्रिटिसिजम था उ, उनको वो उससे उनको हेल्प मिली यूनिटी बनाने में आपस में ब्रिंक यूनिटी एम एक्म थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आप सारे चैप्टर्स के टेक्सटल क्वेश्चन को देखना चाहते हो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट चेक करें तो वहाँ पर सब मिलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग